नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य दूरदर्शन न्यूज और इस वक्त की खबरों के साथ मैं हूं रश्मि। गाजियाबाद के विजयनगर के वार्ड नंबर 7 में समस्याओं का लगा अंबार। बारिश के कारण सुदामापुरी लाल क्वार्टर में हुआ जलभराव। सड़कों पर बह रहा सीवर का गंदा पानी। लोग जरूरी कामों के लिए भी सीवर के गंदे पानी से निकलकर जाने को मजबूर हो गए हैं। जगह जगह पर गटर भरे हुए हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह छोटे छोटे बच्चे गंदे पानी से निकल कर जा रहे हैं। पिछले कई सालों से ये समस्या जस की तस बनी हुई है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आकाश ठाकुर की ये रिपोर्ट। समस्या इस कॉलोनी में सीवर लाइन की है। सीवर लाइन ओवरफ्लो होने के चलते घरों के आगे, दरवाजों के आगे तक गंदा पानी भरा रहता है और आए दिन की समस्या है ये। 10-5 दिन बाद यहाँ के लोकल जो यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं वो लोग लोकल के यहाँ के जो कर्मचारी हैं प्राइवेट, उनसे पैसा देके काम करवाते हैं, पानी निकलवाने का, सीवर खुलवाने का काम करते हैं। लेकिन 20 दिन बाद फिर वही स्थिति होती है जिस तरह से आप देख रहे हैं। और समस्या इतनी है कि लोग अपने घर से निकलने में मजबूर हैं। ये सीवर का गंदा पानी है। बारिश का पानी होता तो समझ आता कि पानी नाली के थ्रू निकल जाता। नाली भी बंद है, नाली भी नहीं है यहाँ पर, नालियाँ भी चालू नहीं है। अच्छा, मामले को लेकर आपने स्थानीय पार्षद या किसी मंत्री से शिकायत की है? हमने सबसे पहले स्थानीय पार्षद से शिकायत की थी। पार्षद जी ने भी इसके लिए अपनी बात रखी सदन में, लेकिन उनकी भी वहाँ सुनवाई नहीं हुई। एक्चुअली क्या है, ये जो कॉलोनी है ये डूडा विभाग है, डूडा ने विकसित किया था 2009 के आसपास। अच्छा, किसकी गलती मानते हैं, किसी गलती से ये सब यहाँ पानी भरा हुआ है? ये प्रशासन की लापरवाही कहें या क्षेत्रीय विधायक जी की लापरवाही कहें, उन्होंने आज तक यहाँ देखने तक नहीं आए। उन्हें ये देखना चाहिए था कि लोग किस स्थिति में रहे हैं, किस हाल में रह रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक यहाँ के उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री भी हैं, उनकी विधानसभा का और विजयनगर क्षेत्र का ये मामला है गाजियाबाद का। समस्या सर पानी की है और ये हर साल होती है। हर महीने एक बारिश होने के बाद जीना मुहाल हो जाता है। घर से ये ड्यूटी जाते समय आते समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, समस्या को लेकर आपने स्थानीय पार्षद या किसी प्रशासनिक अधिकारी शिकायत की? जी, हमने पार्षद जी से कहा तो पार्षद जी ने कहा कि ये अभी नगर निगम को हेड ओवर नहीं है। जी, नगर निगम में जाओ तो वो कहते हैं डूडा विभाग के पास जाओ। डूडा विभाग कहता है वो नगर निगम के पास, तो हम जाएँ किसके पास? कौन समाधान करेगा हमारी समस्या का? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी गौतम है। अच्छा पिंकी गौतम जी, वार्ड नंबर 7 में आप रहते हैं, क्या समस्या है यहाँ? यहाँ समस्या सिर्फ पानी की समस्या सबसे ज्यादा है जी। क्योंकि यहाँ पे आए दिन सीवर को एक तो खुले रहते हैं और बच्चे गिरते हैं, यहाँ पे देखता नहीं है प्रशासन के कुछ करती नहीं है। यहाँ तक कि अपने पार्षद जी को हमने बताया ये समस्या, वो भी हमें हमारी समस्या सुनते नहीं है। अच्छा, मामले को लेकर आपने किसी अधिकारी से शिकायत की है? हमने अधिकारी क्या नाम है कलेक्टर जाके हमने एप्लीकेशन भी दी है, कोई सुनवाई नहीं की हमारे। अभी तक कोई सुनवाई हुई या नहीं? कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल दिव्य दूरदर्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।